देखिए चिकन पीसेस हो चुके हैं यहाँ पर इस तरह, और साथ हमारे पास पोटैटोज हैं। इसमें जा रहे हैं कुछ मसाले। देखिए फ्रेंड, चिली फ्लेक्स, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये जो है हमारे पास सॉल्ट, ठीक है जी। इसको हम डाल रहे हैं सॉस पैन में एंड वी ब्रिंग इट टू बॉयल एंड गेट इट टेंडर। इतना सा बैटर बना लिया जिसमें धनिया और वो हरी मिर्च, प्याज वगैरह डाल के, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको मिक्स कर लिया खूब अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। अब इसके ऊपर हमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी के साइज़ के कटलेट्स बना सकते हैं। ये देखें, बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसको थोड़ी देर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन पौना के जो है, पौना के जी चिकन में मैंने हाफ कप ब्रेड क्रम्स डाले थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसके साथ पिक्स के साथ लगा भी दूंगी। ये देखें, अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रा छोटे बना सकते हैं, अगर आपने बर्गर के लिए बनाने हैं तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखें कितनी सख्त ठोलिस जो है ना, सॉलिड है, ये ठोस है। ये देखें, ये एक और बन रही है इस तरह की। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कटलेस है और बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। आप इसको फ्राई करके दिखाते हैं। यहाँ से हम करते हैं चिमनी ऑन फास्ट पर ताकि स्मोक ना हो। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ हम प्यार से इसमें ये कटलेस रख देते हैं। जितने बनाने हैं आप इतने बना लें, ठीक है। मैं अभी दो बना रही हूँ या तीन बना रही हूँ दो लोगों के लिए, तो मैं इतने ही रखूँगी, ठीक है जी। अभी इसको आपने छेड़ना नहीं है, 2 मिनट तक एक साइड से गोल्डन कलर आएगा, देन वी विल फ्लिप ओवर। व्यूअर्स, ये एक साइड से हो चुके होंगे, अब हम इनको कर रहे हैं फ्लिप ओवर प्यार से। आप कोई भी ले सकते हैं, ये देखें कितना नाइस गोल्डन कलर आया, वाह माशाल्लाह। और इसको भी कर लेते हैं हम टर्न ओवर। ये देखिए इतना आप कर सकते हैं, या इनको इतना करके आप रख भी सकते हैं जब आपके गेस्ट आए या आपको चाहिए हो बच्चों के लंच बॉक्स में, तो आप इनको दोबारा से रीहीट कर सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव देम फ्रॉम द पैन एंड पुट इट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर टिश्यू टॉवल। ये सब बॉइल्ड होता था, सिर्फ हमने इस पर कलर देना है। क्या आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, मैंने इसको जिपर बैग में डाला है और मैं इसे फ्रीजर में रख दिया।